कलेक्टर की धांधली, कलेक्टर की धांधली, कलेक्टर के बेटे को। अरे बोला भूषण नाथ बोले बड़बोले की, भूषण नाथ बड़बोले की। इंस्पेक्टर। यस सर। ये जो उनका लीडर नारे लगा रहा है ना सर, उसे अकेले मेरे पास अंदर भेज दो। यस सर। कलेक्टर के बेटे को। स्टॉप इट। है ना, कहा है? कलेक्टर साहब तुमसे बात करना चाहते हैं। ऐसा? देखा, भूषण के भाषण से कलेक्टर का पूरा कमीशन डर गया। कह रहा हूँ जरा टाक करके आता हूँ, रास्ता छोड़ो। हाँ, क्यों महाशय? ये बाहर सब नाटक तमाशा किस लिए हो रहा? नाटक तमाशा नहीं साहेब, हम इलाके का लीडर हूँ। हमारा नाम है भूषण नाथ बड़बोले। हमने छोकरे लोग को बिना कोई गलती, बिना कोई मिस्टेक के उठाई के अंदर पटक दिया है। वो बेचारे पीरेस में अखबार खरीदने को गए थे, वहाँ क्रिकेट बॉल की तरह उनकी पिटाई कर डाली। हम ये जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने को आया हूँ। तुम्हारे इस चेहरे से साफ जाहिर होता है कि लीडर नहीं, किराए के टट्टू हो तुम। आए? किराए के टट्टू। और बाहर ये जो जिंदा मुर्दाबाद का तमाशा हो रहा है, ये तुम्हारा पेशा है, इसी की रोटियां खाते हो तुम। तुम्हारे लड़के उस प्रेस में अखबार खरीदने नहीं गए थे, उस अखबार के एडिटर के खिलाफ दंगा करने गए थे, इसलिए इसलिए कि वो एडिटर शहर के लुच्चे, बदमाश, सब गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ बेधड़क लिखता है। अरे तो लिखता होगा, हमसे क्या लेना देना है? हम तो बहुत शरीफ आदमी हूं। और हम कहा है मालूम? RDU मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूं। इसके अलावा HGU मतलब हाथ गाड़ी की जो यूनियन है उसका भी लीडर हूं। कोई मामूली आदमी नहीं हूं हम। और तुम जानते हो मैं कौन हूं? अरे कलेक्टर और का हो? हमारे जितने पोरा ठोली थोड़ी ना है तुम्हारे पास। इस जिले का हर दरख्त, हर खेत, हर रास्ता, सड़क पर चलता फिरता हर आदमी, तुम जैसा हर उठाई घीरा मेरे पोर्टफोलियो में है, समझे? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारी हड्डी पसली बराबर करा के और तुमको उसी लॉकअप में बंद करा दूं जिसमें तुम्हारे ये चेले हैं। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये बात मेरे उसूल के खिलाफ है। अलबत्ता मैं तुमको एक मशवरा देता हूं, केन और टंकी जो तुम अपने साथ लेकर आए हो यहां बाहर, उसे समेट कर तुम चुपचाप यहां से चले जाओ और इसका दो लफ्जों में मुझे जवाब दो, जाते हो या नहीं। मुड़े क्यों? ओ, मैं आपको नमस्कार करना भूल गया था। क्या? तुम्हारी धमकियों से डरने के बजाय उसने उल्टा तुम्हारी टांग तोड़ने की धमकी देकर तुझे वहां से भगा दिया? तब तो इस कलेक्टर के बारे में कब्जा को कुछ कब्जे सोचने ही पड़ेंगे। अरे हम एक से एक टार मारने वाला कलेक्टर देखा है। मरिया तो हमको ऐसे धितकार रहा था जैसे लोग मोहल्ले में बीमार खुजली वाले कुत्ते को धितकारते। बहुत अपमान किया हमारा। अरे तुम्हारा तो सिर्फ उसने अपमान ही किया, लेकिन उस कलेक्टर के बच्चे ने तो मेरी दुकान बंद करने का नोटिस ही भेज दिया। अब मैं अपना दुखड़ा किसके पास रहूं? एक बात बताएं? बताओ। आप एक अर्जी लिखो, राजधानी भेजो। ये जो कलेक्टर है सब बिरांडी वालों से रिश्वत लेता है और हम जैसे गरीब शरीफ देसी दारू वालों की दुकान को ताले लगा रहा है। आईडिया में दम है? कम है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस आदमी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। देखो, ये आदमी इस इलाके में नया नया आया है, इसलिए इसे प्यार के हथियार से मार देना चाहिए। सब मथुरा के कृष्ण कन्हैया की इच्छा है। एक बात बोले साहब? बताओ। ये सब धांधली काय को हो रही है? काय को? अपने इलाके का MLA मर गवा है, अब नए MLA के लिए बहन इलेक्शन नहीं हुआ है। वो नहीं, कौन सा भाई इलेक्शन? हाँ, भाई इलेक्शन नहीं हुआ तभी धांधली हो रही है। देखो जल्दबाजी मत करो भूषण नाथ, मुझे फिर इन्फॉर्मेशन मिला है कि इस बार इस इलाके में भाई इलेक्शन हो रहा है और पार्टी तुम लोगों की बिरादरी में से किसी को सीट देने की सोच रही है और मैंने फैसला किया है कि ये सीट MLA की तुमको ही मिलनी चाहिए। अरे भगवान, अरे प्रभु, अरे 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 अरे, आप विश्वास करें कि नहीं करें, हम पिछले एक हफ्ते से हर रात सपने में असेंबली देख रहा हूँ। बस एक बार अंदर जाने का चांस मिल जाए, सुबह MLA बनने के बाद शाम को कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ। पर एक बार हमको
एमएलए बना दीजिए, एमएलए बना बना दूंगा। राजनीति का रूट भी दिखा दूंगा, सब मुंबई के सिद्धि विनायक की इच्छा है। पी डालिए, सब दारू पी डालिए, मरीज गरीब को असेंबली में फेंक डालिए। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? शुक्रिया शुक्रिया। बोलो क्या बात है? मेरी विनती तो सिर्फ ये है कि वो जो आपने मेरी दुकानें बंद कराने का नोटिस भेज दिया है ना, उसे बदल कर मेरी दुकानें ना बंद कराने की मेरी अर्जी जो है वो पास करवा दीजिए, बाकी हम आपस में पटा लेंगे। मतलब? मतलब ये कि मैं आपकी कलम में स्याही भर दूंगा, आप कागज पर दस्तखत कर दीजिए और मैं उस कागज पर वजन रख दूंगा। वजन? अरे ऐसा वजन दिखाऊंगा कलेक्टर साहब कि आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए देखिए, देख रहे ना आप? देखिए आपने सोच में डाल दिया कन्हैया लाल जी। हाँ देखिए इस वजन को तो तोलना पड़ेगा। मैं जाके इसके लिए खास तराजू लेकर आता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से मैं तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। अरे साहब लेकिन मैंने आपको रिश्वत दी कब है? हैं? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने आपको रिश्वत दी है? वो रुपए जो उस टेबल पर रखे हैं वो तुम्हारे हैं या नहीं? अरे बिल्कुल नहीं कलेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो तो मैंने मिस्टर चंद्रशेखर, चीफ मिनिस्टर के फ्लड रिलीफ में कलेक्ट्रेट की तरफ से ये रुपया जमा करा दे। ओके इनको नाउ थैंक यू। अरे कलेक्टर साहब मेरे 50,000 रुपए। ये तो तुम्हारे नहीं है भाई, ये है। नहीं नहीं नहीं, ये 50,000 रुपए तो चले गए लेकिन मेरी हथकड़ी तो खोल दीजिए। ये मैं नहीं खोल सकता। तुम एक काम करो, कोई 150 रुपए लेकर किसी लोहार के पास जाओ और उससे हथकड़ी जो है तोड़वा लो। हथकड़ी तोड़वाने के लिए कलेक्टर साहब मैं लोहार के पास जाऊंगा तो लोग देखेंगे, लोग देखेंगे तो बेइज्जती होगी। मेरी इज्जत बचाइए कलेक्टर साहब, मेरी इज्जत बचाइए, ये हथकड़ी खुलवाइए। आज के लिए हम तुम्हारी उस इज्जत पे पर्दा डालेंगे, लेकिन आइंदा के लिए सबक याद रखना। नाउ गेट आउट, गेट आउट। ऐसा कलेक्टर तुमको मसाला डोसा खिलाया? हमको तो खाली डोसा खिलाया था। तो फिर इतनी बड़ाई मानने की क्या जरूरत थी झूठ बोलना? क्या तुम्हारी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, दिल्ली तक पहचान है? और हमसे तुम वादा किया था कि तुम हमको एमएलए की सीट दिलवाओगे, कहां है वो सीट? अपोजिशन वाले तमाम बड़बड़ के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम इलेक्शन के पुराने रिपोर्ट की तरह फटे हुए पड़े। एक बार हमको एमएलए बनाई दो, फिर देखो उस कलेक्टर को सड़े हुए टमाटर की तरह निचोड़ के नहीं रख दिया तो हमारा नाम भूषणनाथ बड़बोले नहीं। हेलो, हाँ राजधानी से फोन है, राजधानी से। हेलो राजधानी जी, जी जी मैं भूषणनाथ, नहीं मेरा मतलब है मैं कब्जा कन्हैया लाल बोल रहा हूँ। क्या का पार्टी शक्ति आपका फोन है जी? नमस्ते नमस्ते जी। हाँ मैं कह रहा था कि आपके बाय इलेक्शन में अपने भूषणनाथ भड़बोले को ही सीट मिलनी चाहिए जी। क्या का खर्चे की चिंता मत करिए आप। हाँ उसके लिए तो हम ब्लैक में भी टिकट लेने को राजी हैं जी। क्या का सीट कंफर्म्ड, टिकट पक्की, तो मैं उसे वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने को कह दूं जी? क्या का कह दूं? अरे पार्टी शक्ति साहब आपका मैं एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। लो भाई भूषणनाथ तेरी सीट पक्की हो गई। अरे तेरे को ये क्या हो गया? मेरे को इलेक्शन के झटके आ रहे हैं। चप्पल से ड्रामेबाजी बंद कर, मैं सब समझता हूँ। प्रकाश इसके इलेक्शन की कामयाबी की तैयारियां शुरू कर दो। डैड हम किस निशान से नारे लगाए? हम बताते हैं सर, अपने लेवल के हिसाब से कैंची निशान अच्छा रहेगा क्योंकि इस देश के नेता फिटिंग कम और कटिंग ज्यादा करते हैं। माय डैश सिंबल, पिताजी अगर पब्लिक ने आपको वोट नहीं दी तो मैं उनकी डैश चटनी बना दूंगा। आजा प्रकाश। मालिक नेता बनने के बाद हम इस राष्ट्र को ऊपर ले जाएंगे या नीचे ले जाएंगे वो तो हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि पहले आपकी मूर्ति फिर हमारी मूर्ति, अखबार में पहले आपको पहनाएंगे फिर खुद के डलवाएंगे, हार हर चीज में पहने आप फिर हम, हाँ सब कुछ आधा आधा, सब लंका के रावण की कृपा है।
भारती, बाप तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम बूढ़ी औरतों की तरह भारती क्यों रखा है? मेरे पिताजी देशभक्त इंसान है, उन्हें इस देश से और भारत माता से बहुत प्रेम है, इसलिए मेरा नाम भारती रखा। क्यों, तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है? नहीं, पसंद तो है, लेकिन मुझे रति नाम ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि रति कामदेव की पत्नी का नाम था। अच्छा, तो ये बात है, इस कामदेव को रति की जरूरत है। हाँ, और वो भी अभी इसी वक्त। नहीं। क्यों? वाह वाह, आह, क्या पब्लिक रोमांस हो रहा है। फिल्म की शूटिंग चल रही है? नहीं नहीं नहीं, फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, जंगली जानवरों की शूटिंग चल रही है। शूट करूं क्या? अरे कैलाश, लौंडा बड़ी ऊंचाई पर उड़ रहा है। हाँ भाई, कलेक्टर का बेटा जो ठहरा। अरे हाँ, इसका मतलब है ये खूबसूरत सी लड़की कलेक्टर की बहू बनने वाली है। मगर नहीं, उससे पहले इसके खूबसूरत गुलाबी होठों पे मैं किसकी डैश मारूंगा। ठहरो, अगर तुमने इसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया ना, तो तुम्हारा अगला कदम सीधा शमशान में होगा, समझा? ए! हम यहाँ शमशान जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुझे शमशान पहुंचाने आए हैं। अगर तेरा बाप कलेक्टर है तो मेरे डैश से कल इलेक्शन जीतकर मेरे डैडी मिनिस्टर बन जाएंगे और मैं मिनिस्टर का डैशिंग बेटा। कलेक्टर मिनिस्टर का नौकर होता है, तेरा बाप मेरे डैडी का नौकर है, समझे? अगर तूने मेरे बारे में कुछ कहा तो उसका जवाब जबान से दूंगा, लेकिन अगर मेरे डैडी के बारे में कुछ कहा तो उसका जवाब हाथों से दूंगा, समझा? क्यों, तेरा बाप आसमान से टपका है क्या? कुछ ही दिनों में बच्चू, तेरा कलेक्टर बाप मेरे मिनिस्टर डैडी के पैरों में गिर के उनके जूते चाटेगा। Marcelico!